పరశురాముడు అదే పరశురాముడి క్షేత్రం हेलो दोस्तों, गोपीचंद की अपकमिंग मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर सुपर नेचुरल फिल्म भीमा का ट्रेलर आ चुका है, जिसके अंदर हमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि गोपीचंद के अंदर कोई अवतार आने वाला है, या फिर उनके हमें दो रोल इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं, जैसे एक पुलिस का रोल और दूसरा राक्षसों का विनाश करने वाला, जिसमें उनके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर होगी जिसे लेने के लिए गोपीचंद अघोरियों की मदद लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो काफी तगड़ा लग रहा है। अब आइए थोड़ी स्टोरी पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल फिल्म में सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, राक्षसों अथवा माइथोलॉजी को भी दिखाया जाएगा, जहां पर हमें ट्रेलर के शुरुआत में ही भगवान परशुराम के बारे में बताया जाता है और साथ में ही उनके पावर के बारे में एक्सप्लोर किया गया है कि वो कितने पावरफुल थे। तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि पहले गोपीचंद पुलिस के रोल में होंगे, लेकिन उनका सामना कुछ ऐसे राक्षसों से हो जाएगा जिनका सामना वह पुलिस में रहते हुए नहीं कर सकते, इसलिए उनको भी कुछ सुपर नेचुरल पावर की आवश्यकता होगी जो अघोरियों की मदद से प्राप्त करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमें इस फिल्म की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से भरा ट्रेलर देखने को मिला है, जिसका विजुअल और वीएफएक्स तो उतना खास नहीं था, पर इन सब को छोड़ दिया जाए तो फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा लगा है। अब फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो यह फिल्म बस अगले ही महीने 8 मार्च को थिएटर में रिलीज हो रही है, और इसी दिन बॉलीवुड की एक और हॉरर फिल्म शैतान भी रिलीज हो रही है। तो आप लोग इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही फिल्मों का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।